हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6, जो कि आपका है इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की बुक का ये चैप्टर है। तो यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं, और उनका अध्ययन वॉल्यूम 1 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, वो है कंजर्वेशन मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड्स, मतलब कि अपनी कृषक भूमि को कैसे आप कंजर्व करेंगे फ्रॉम इरोजन एंड अदर फैक्टर्स। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। इस वीडियो में आपको कई सारे टॉपिक्स जो है कवर किए जाएंगे, जैसे कि मल्चेस वगैरह, व्हाट इज मल्च, कितने तरह के मल्च होते हैं आपके, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एट ए ग्लैंस कौन कौन से टॉपिक होंगे आपका, देखते जाइए आप लोग। जो है मल्चिंग होगी आपकी, वर्टिकल मल्चिंग होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी जो है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि और किन तरीकों से वन डिस्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, तो इन सभी के बारे में हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे अंडर द सॉइल कंजर्वेशन। किसके कंजर्वेशन के अंदर? सॉइल कंजर्वेशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स को किन दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली कंजर्वेशन मेजर्स को आपके दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो क्लासेस में मतलब डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्लासेस में? पहली बात तो कैपेबिलिटी ऑफ लैंड एंड मॉइस्चर के बेस पर जो है इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड, एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स के बेस पर इसको डिफाइन किया गया है। बेसिकली जो फैक्टर्स जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं दो क्लासेस में, वो होते हैं बेसिकली जैसे कि सॉइल, लैंड स्लोप एंड रेनफॉल। तो इन्हीं सब कैरेक्टर्स के कारण जो है ये दो डिफरेंसेस बन जाते हैं, मतलब दो क्लासेस बन जाती हैं, और इन्हीं क्लासेस को आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे आप जो है इकोनॉमिक मेजर्स को पढ़ेंगे। देखिए, ये क्रॉप मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड मेजर्स, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की जस्ट वीडियो देखेंगे, तो उसमें हम लोगों ने यही सब डिस्कस किया था। बट आज जो डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, वो इकोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इकोनॉमिक मेजर्स पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली है क्या कि ये जो आपके इकोनॉमिक मेजर्स हैं, ये हमेशा ऐसी स्लोप्स पर जो है जो कि लेस देन 2% हों, ठीक है, क्या हों, जहाँ पर स्लोप लेस देन 2% होगी वहाँ पर जो है आप इकोनॉमिक मेजर्स को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और जहाँ पर जो है इरोजन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती, क्या होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, वहाँ पर भी आप इकोनॉमिक मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली ये मेजर्स आपके हेल्प किस चीज़ में करते हैं, जैसे कि आपका जो सॉइल सरफेस पर जो स्प्लैश इफेक्ट पड़ता है जब रेनफॉल होती है, तो रेनड्रॉप्स की वजह से जो स्प्लैश इफेक्ट पड़ता है उसमें क्या करता है, ये इंटरसेप्ट कर देते हैं। कि कौन इंटरसेप्ट कर देता है, ये मेजर्स जो आप लेते हैं इनसे क्या होता है कि स्प्लैश इफेक्ट को आपका रिड्यूस हो जाता है, रेनड्रॉप्स इंटरसेप्ट कर दी जाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, स्प्लैश इफेक्ट सॉइल पर नहीं पड़ता। स्प्लैश इफेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे छपाक से जो पड़ती है ना, जो बहुत सारी अगर जो है बूंदें हैं, अगर इसी तरीके से हाई स्पीड या जिसे कहें हाई वेलोसिटी से अगर सरफेस पर पड़े तो क्या होगा, एक तरीके से इरोजन वहाँ भी हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी, और लीचिंग हो गई तो मतलब सॉइल कंजर्व करना पड़ेगा अगर आपको लीचिंग प्रोसेस से बचाना है। तो उसका ये प्रोसेस, तो ये मेजर्स के, ये प्रोसेस जो है एक इसके अंडर आएगा, इकोनॉमिक मेजर्स के अंदर आएगा। बात करेंगे अगर आपको बेटर इंटेक ऑफ वाटर रेट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा करना पड़ेगा, सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सॉइल स्ट्रक्चर्स उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्टर करना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे क्या होगा, सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा, और ये आपको मदद करेगा बेटर इंटेक ऑफ वाटर रेट में सॉइल के, ठीक है। थर्ड जो आपका मेजर, जिसमें इकोनॉमिक मेजर आपको हेल्प करता है, वो ये है कि जो ओवरलैंड रन ऑफ है इसको भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो अब इसी के अंदर, इस एग्रोनॉमिक मेजर के अंदर आपके कुछ जो है ये मेजर्स हैं बेसिकली जो ये तीनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इन्हीं मेजर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तीन ऐसे मेजर्स हैं, ये कॉमन जो है गोल है आपका, ये कॉमन गोल है जो कि इन जो मेजर्स के अंदर होंगे, और इन प्रैक्टिस के थ्रू इन गोल को अचीव किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टूर कल्टीवेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉन्टूर कल्टीवेशन में कह रहा है कि अ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलोंग द कॉन्टूर्स ऑफ स्लोप, क्या होता है, हम लोग कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का किसके अलोंग, कॉन्टूर्स ऑफ स्लोप के, मतलब स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का। फिर कहता है कि द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टूर्स आर लाइक द कंजर्व, जो कॉन्टूर्स के जो एडवांटेज हैं, मतलब जो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलता है, जो इसके बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ये आपके सॉइल एंड वाटर दोनों को कंजर्व करके चलता है, सॉइल फर्टिलिटी को कंजर्व करके चलता है, आपकी क्रॉप ईल्ड बढ़ा देता है, और मच लेस पावर रिक्वायर होती है आपकी, मतलब अगर आप
कंटूर कल्टीवेशन को अडॉप्ट करते हैं, ऐसी ऐसी जगह जहां पर स्लोप क्या हो लेस देन 2% हो, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको एज अ बेनिफिशियल पॉइंट, एज अ बेनिफिट या क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट की तरह आपको ये चीजें मिलती हैं, क्योंकि वहां पर आपका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी भी कंजर्व होती है, आपको पावर लेस रिक्वायर्ड रहती है, लेस वेयर एंड टीयर होता है आपके इम्प्लीमेंट्स में, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, आपके कल्टीवेटर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। जहां पर डिसएडवांटेज में अगर देखा जाए तो वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है कॉन्टूर फार्मिंग का, वो अंडुलेटिंग लैंड एंड टीडियस लैंडिंग पर नहीं होता है, मतलब जो टीडियस लैंड नहीं मतलब अंडुलेटिंग लैंड पर टीडियस होता है। क्यों टीडियस होता है? टीडियस मतलब होता है आपका बड़ा थकाऊ सा, ठीक है, जहां पर मैन पावर ज्यादा लगे, जहां पर आपका लेबर ज्यादा लगे, उसे बोलते हैं हम टीडियस। तो ये जो टीडियस हो जाएगा क्यों? क्योंकि कॉन्टूर फार्मिंग में आपको अंडुलेटिंग लैंड में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये ऐसी जगह किया सकता है बेसिकली जहां पर स्लोप कितना हो लेस देन 2% हो, फिर आप इन चीजों का फायदा वहां पर ले सकते हैं। होप आपको कॉन्टूर कल्टीवेशन क्लियर हो गया है कि कॉन्टूर कल्टीवेशन में आपका इकोनॉमिक मेजर में अंडर द इकोनॉमिक मेजर आप कॉन्टूर कल्टीवेशन को अपना सकते हैं, और इस कॉन्टूर कल्टीवेशन को अपनाने से आपको इन सभी पॉइंट्स का क्या होता है, फायदा होता है। डिसएडवांटेज यही है कि अंडुलेटिंग लैंड में आप कॉन्टूर कल्टीवेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मल्चिंग के बारे में। व्हाट इज मल्चिंग? देखिए मल्चिंग एक ऐसा मटेरियल है जो कि सॉइल सरफेस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। किस लिए अप्लाई करते हैं? जिससे कि इवेपोरेशन और जो सॉइल वाटर है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, इवेपोरेशन को रोका जा सके, टू चेक द इवेपोरेशन एंड इम्प्रूव द सॉइल वाटर, मतलब टू चेक, मतलब देखिए चेक मतलब यहाँ पर होता है कि उसको कंट्रोल करना, ठीक है, इवेपोरेशन को कंट्रोल किया जा सके और सॉइल वाटर को इम्प्रूव किया जा सके, किसकी हेल्प से? मल्च के मदद से। तो बेसिकली मल्चिंग यही होता है कि जब आप इवेपोरेशन और सॉइल वाटर को इम्प्रूव करते हैं जिस मेथड के थ्रू, वो मेथड आपका कहलाता है मल्चिंग। आई होप अब आपको क्लियर हो गया मल्चिंग क्या है। देखिए नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक लेयर चढ़ा दिया थी, वो आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल लेयर हो सकती है या फिर नेचुरल लेयर भी हो सकती है, मतलब नेचुरल मटेरियल की या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मटेरियल के थ्रू भी हम जो है इस चीज़ को अपना सकते हैं, इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए क्रॉप रेसिड्यूज, लीव्स, मैन्योर्स हो गए, स्ट्रॉ, प्लास्टिक फिल्म्स हो गई, तो आर्टिफिशियल जो लेयर हो गई वो आपकी प्लास्टिक फिल्म हो गई, बाकी जो मेंशन है वो आपकी क्या हो गई? नेचुरल लेयर हो गई। तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप मल्चिंग को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। चलिए अब बात करें कि इफेक्ट्स ऑफ मल्चिंग क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है मल्चिंग से। तो मल्चिंग आपकी क्या करती है कि मल्चिंग अफेक्ट द सॉइल वाटर थ्रू, मल्चिंग आपके सॉइल वाटर को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? तो रन ऑफ कंट्रोल करती है, इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर देती है, इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देती है, वीड कंट्रोल को क्या करती है? डिक्रीज कर देती है। तो इसका मतलब कि मल्चिंग काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है, मल्टीपर्पस मल्टी गोल्स यहाँ पर अचीव हो रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अफेक्ट द सॉइल टेम्परेचर थ्रू, सॉइल टेम, देखिए पहली बात तो जो सॉइल वाटर है उसको भी आपके अफेक्ट कर रहा है, दूसरा सॉइल टेम्परेचर पर भी प्रेशर डाल रहा है, मतलब कि सॉइल टेम्परेचर को भी अफेक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में कैसे? जो रेडिएशन शील्डिंग कर रहा है आपकी, जो मतलब यूवी रेस की जो रेडिएशंस हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पड़े आपके प्लांट के ऊपर, ठीक है, सॉइल सरफेस के ऊपर, कि जिससे कि क्या हो, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, सॉइल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाए, तो क्या हो, विल्टिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाए। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करेगा? रेडिएशन शील्डिंग करेगा। फिर क्या करेगा? हीट कंडक्शन एंड ट्रैपिंग, जो हीट कंडक्शन एंड ट्रैपिंग है उसकी मदद से क्या करेगा, जो हीट है आपके बहुत ज़्यादा उसको रेगुलेट करेगा। इवेपोरेटिव कूलिंग करेगा आपका, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं होने देगा बट इवेपोरेटिव कूलिंग करेगा, चीज़ें समझिए आप। इम्प्रूव सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस थ्रू, मतलब कि सॉइल न्यूट्रिएंट का जो स्टेटस है उसे भी इम्प्रूव करेगा। किस तरीके से इम्प्रूव करेगा? क्योंकि मल्चिंग में आप यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं, डिफरेंशियल नाइट्रिफिकेशन होता है वहाँ पर, और मिनरल सोलिबिलिटी भी आपकी मल्चिंग के थ्रू अचीव हो जाती है। तो इस तरीके से सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी आपका मेंटेन किया जा सकता है बाई यूजिंग द मल्चिंग प्रोसेस। फोर्थ जो आपका पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो ये होगा कि सॉइल बायोलॉजिकल जो रेजीम है इसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि जब आप ऑर्गेनिक मैटर के एडिशन करेंगे तो माइक्रोबियल एंड जो सॉइल फौना पॉपुलेशन होगी वो भी इंक्रीज होगी, प्लांट टू डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बढ़िया होगा, क्योंकि आपकी जो सॉइल सर्फेस हो जाएगी वो पोरस हो जाएगी, ठीक है।
जो हार्ड पैंस हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जो हार्डनेस है, जो क्लॉडनेस है, जब आप ऑर्गेनिक मैटर उसमें डालेंगे तो माइक्रोबियल एंड सॉइल, जो माइक्रोबियल हैं तो क्या होंगे, जो माइक्रोबियल जो प्रोसेस होगी उसमें आपकी ऑर्गेनिक मैटर को एडिशन करने पर, तो क्या होगा उसको काफ़ी वो लोग क्या करेंगे, क्लॉड्स को तोड़ तोड़ कर एक भुरभुरी और एक पोरस मटेरियल में चेंज कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, जो प्लांट रूट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इजीली हो पाएगी। जो इरोडेबिलिटी है उसको आपका नहीं होने देगा मल्चिंग जब आप जो है यूज़ करेंगे तो। अफेक्ट सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी को भी अफेक्ट करता है, उस पर भी प्रभाव डालता है इन अ पॉजिटिव वे। कैसे, इवेपोरेशन कंट्रोल, वही चीज़ें हैं, इवेपोरेशन कंट्रोल, सॉइल टेम्परेचर, लीचिंग, ठीक है। ये देखिए इवेपोरेशन आ गया, सब्सिक्वेंट रिटर्न ऑफ सॉल्ट्स टू द लीच्ड जोन, मतलब जो सॉल्ट्स हैं, जो ये कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक सॉल्ट्स हैं वो भी आपके यानी वहाँ पर एक्यूमुलेट हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सब फ़ायदे मिलते हैं आपको लीचिंग को अपनाने से। अब बात करें आपके टाइप्स ऑफ मल्चेस के बारे में, तो टाइप्स ऑफ मल्चेस में बेसिकली आपके चार तरह के मल्च यहाँ पर बताए गए हैं आपको, ठीक है। तो क्या है चार तरह के वो मल्च, इनको जान लेते हैं, काफ़ी सिंपल हैं। पहली बात तो सॉइल मल्च और डस्ट मल्च क्या होता है। देखिए, इफ़ द सॉइल सरफेस इज लूजन, इट एक्ट्स एज अ मल्च फॉर रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, इट इज कॉल्ड द सॉइल मल्च और द डस्ट मल्च, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग द डीप क्रैक्स इन द वर्टिसोल्स। कह रहा है कि अगर सॉइल सरफेस क्या है, लूजन है, तो उसी लूजन सॉइल सरफेस को हम एज अ मल्च यूज करते हैं इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए, और इसी को हम लोग बोल देते हैं सॉइल मल्च या डस्ट मल्च। बेसिकली क्या होता है, जो डीप क्रैक्स होते हैं वर्टिसोल्स में, उनको ये सब भरने में जो है मदद किया जाता है इस तरह के मल्च में। बेसिकली जो वर्टिसोल्स है ये क्या होती हैं, तो जहाँ पर क्ले की जो कंटेंट है वो मात्रा ज़्यादा होगी जब सॉइल में, तो आप बोलते हैं कि वो वर्टिसोल्स है, मतलब क्ले रिच सॉइल्स आर कॉल्ड वर्टिसोल्स। इस तरीके से भी आप इसको नोट कर कॉपी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। बेसिकली बात करें तो यही मतलब है इसका कि आप जो है एक पोरस जो सॉइल है आपकी लेयर, मतलब भुरभुरी सी आप सॉइल लेंगे और उसको जो है जिस सॉइल में आपको डालना है जहाँ पर थोड़ा सा डीप क्रैक्स है, मतलब वर्टिसोल्स, जैसे कि आप क्ले रिच सॉइल आपकी कैसी कौन सी है, जैसे आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, तो यहाँ पर क्या है क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए ना ये जो है सूखने पे क्या होते हैं क्रैक्स आते हैं उसमें। तो ऐसे क्रैक्स को भरने के लिए क्या करेंगे, आप लूजन सॉइल को डाल देंगे वहाँ पर, ठीक है, जो डस्ट है जो सॉइल में उसको उठा के वहाँ डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगी, वो क्रैक भर जाएंगे। तो बेसिकली वही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉइल मल्च और डस्ट मल्च क्या है। सेकंड बात करें स्टबल मल्च की, तो स्टबल मल्च मतलब, स्टबल मतलब आप समझ गए कि स्ट्रॉ से बात हो रही है। अब स्ट्रॉ किसी का भी हो सकता है, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यूज लाइक व्हीट स्ट्रॉ, मतलब गेहूं का भूसा हो गया, कॉटन स्टॉक्स हो गई, ठीक है, कॉटन की जो स्टॉक्स हैं, जो डंठलें हैं छोटी छोटी वो हो गई, ठीक है। तो इन सबको क्या करेंगे, सॉइल सरफेस पर आप डाल देंगे, छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है, छोड़ देंगे, तो फिर वो कैसे, किस तरह एक्ट करेगा, एज अ स्टबल मल्च वो एक्ट करेगा। और ये दूसरा प्रकार है आपका मल्चिंग का, मतलब स्टबल के थ्रू भी आप मल्चिंग को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रॉ मल्च, वही सेम चीज़ है, स्ट्रॉ यहाँ पर डाल देते हैं। फोर्थ है आपका प्लास्टिक मल्च, मतलब ये आर्टिफिशियली इस मल्चिंग को किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल, जैसे कि पॉलीथिलीन हो गया आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों का यूज़ करके आप ये आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मल्चिंग मटेरियल्स हैं, इनका यूज़ करके भी आप मल्चिंग को अचीव कर सकते हैं, और जो इफेक्ट्स हैं इसके उनको आप बेनिफिशियली अचीव कर सकते हैं। देखिए मल्चिंग तो आपने जान लिया, अब एक तरह की होती है वर्टिकल मल्चिंग, क्या होता है बेसिकली वही चीज़ है, बस ये है कि वर्टिकल मल्चिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट इज वर्टिकल मल्चिंग। तो देखिए ऑब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर भी वही है कि क्या करना है आपको, जो हीट कंडक्शन है, इवेपोरेशन है, लीचिंग है, ठीक है, सॉइल टेम्परेचर है, सॉइल वाटर है, ये सबको कंजर्व ही करना है। बट थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वो ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि वर्टिकल मल्चिंग में आप क्या करते हैं, देखिए वहाँ पर तो सॉइल आपकी इस तरीके से थी, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होता है। देखिए वहाँ पर सॉइल इस तरीके से थी, तो आप जो है मल्चिंग को इस तरीके से इसके ऊपर क्या कर रहे थे, इनकॉर्पोरेट कर दे रहे थे, मतलब इसके ऊपर आप इस तरह अप्लाई कर दे रहे थे मल्चिंग मटेरियल को। बट अब क्या होगा, आपकी जैसे मान लीजिए सॉइल है इस तरफ, ठीक है, तो सॉइल यहाँ पर, तो ये सॉइल है मान लीजिए आपकी एक तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स होंगे, क्या होंगे, सॉइल में क्रैक्स होंगे, मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पर थोड़ा क्रैक्स हो, क्या हो, क्रैक्स हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जब आपके क्रैक्स हैं तो इन क्रैक्स को भरने के लिए, ठीक है, इन क्रैक्स को भरने के लिए क्या होगा, आप मल्चिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे और जो मल्चिंग मटेरियल होगा वो आपका इन क्रैक्स में सीधे डायरेक्ट डाला जाएगा। मतलब क्या किया जाएगा, इन सीधे ये जो ट्रेंचेस यहाँ पर बन गए हैं, मतलब ये जो नेचुरली जो ट्रेंच हैं ये बन गए हैं, या फिर आप कहें कि आर्टिफिशियली आप ट्रेंचेस को खोद कर, इनको डिग कर कर इसमें आप सॉइल जो मल्चिंग मटेरियल है वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ये आपका वर्टिकल मल्चिंग कहलाएगा। आई होप आप समझ गए हैं वर्टिकल मल्चिंग क्या है, बट एक बार मैं आपको बाय डेफिनेशन समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्टिकल मल्चिंग इज टू फिल द स्लॉट्स विद ऑर्गेनिक मैटर एंड कीपिंग देम ओपन एंड फंक्शनल फॉर द लॉन्गर पीरियड। इसमें ये होता है कि वर्टिकल मल्चिंग में आप क्या करते हैं कि जो स्लॉट होते हैं आपके सॉइल सरफेस में, मतलब जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर आप क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को भर देते हैं और उसको ओपन छोड़ देते हैं और उसको फिर क्या करते हैं उसको अपना काम करने देते हैं, मतलब उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो होती रहती है, ठीक है। फिर कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप इंटरवल्स एंड प्लेसिंग द स्टोर द क्रॉप रेसिड्यूज इन द ट्रेंचेस। मतलब कह रहा है कि जो आपके स्लोप्स हैं, मतलब जो आपकी स्लोपी लैंड है, तो स्लोपी लैंड में क्या करते हैं लोग ट्रेंचेस बना लेते हैं और इन ट्रेंचेस में क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या हो वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाए मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद वो एक क्या हो जाए फर्टाइल सॉइल बन जाए। फिर कहता है कि द प्लांट मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द कंटूर ट्रेंचेस फॉर्म्ड अराउंड द प्लांट कॉन्सेंट्रिक ईच ईयर इन वन सर्कल। कह रहा है कि क्या करते हैं कि जो कंटूर ट्रेंचेस बनाए जाते हैं वहां पर हर साल एक कॉन्सेंट्रिक, मतलब मान लीजिए प्लांट यहां पर आपका उगा हुआ है तो एक पर्टिकुलर एरिया जो है डिफाइन कर लिया जाता है और वहीं पर उन ट्रेंचेस को बना बनाकर, उन गड्ढों को बनाकर वहीं पर उन ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं फिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगल बगल की उसकी पूरी लैंड जो है क्या होती है धीरे 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 क्या हो जाती है फर्टाइल हो जाती है और न्यूट्रिएंट स्टेटस भी आपका वहाँ का बन जाता है बढ़िया। बेसिकली ये कहाँ किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट, जैसे क्या होता है न्यूट्रिएंट जो स्ट्रेटा है सॉइल का वो इंप्रूव होता है। ये बेसिकली आपका कॉफी गार्डन्स वगैरह में ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि वर्टिकल मल्चिंग किस कल्टिवेशन में बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है, तो कॉफी वगैरह में जो है ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ बेसिकली अ सब सॉइलिंग विच इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग हार्ड पैन टू इम्प्रूव द रूट पेनिट्रेशन एरेशन एंड वाटर परकोलेशन। ये क्या है, वर्टिकल मल्चिंग बेसिकली एक तरीके से सब सॉइलिंग है। क्या है, सब सॉइलिंग है, जहाँ हम क्या करते हैं कि देखिए सब सॉइलिंग मतलब क्या करना, सब का मतलब समझ रहे हैं कि मेन से एक प्रक्रिया छोटी, मतलब जैसे इंस्पेक्टर होता है फिर सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, उसी तरीके से क्या है सब सॉइलिंग, मतलब हम पूरी सॉइल नहीं डाल दे रहे हैं बट सब सॉइलिंग कर रहे हैं, मतलब सॉइल का जो लूजन मटेरियल है जिसमें कि आप ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि आपका प्रण मटेरियल प्लांट मटेरियल हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि काउडंग हो गया, तो इन सब का यूज़ करके और लूजेंड डस्ट पार्टिकल्स को यूज़ कर कर आप उन क्या करते हैं उस सॉइल के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हार्ड पैंस ब्रेक हो जाते हैं और आपके रूट पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छी आती है, एरेशन काफ़ी बढ़िया होता है, वाटर परकुलेशन भी वहाँ पर बेहतर हो जाता है। तो ये है आपका मतलब हुआ वर्टिकल मल्चिंग से। आई होप आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर नहीं हुआ है तो आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट आपका डेंस ग्रोविंग क्रॉप्स, ये भी ये सब आपके देखिए जहाँ पर ये ए बी सी लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाता हूँ मैं शुरू से। ये देखिए ये इकोनॉमिक मेजर ए मतलब वन था, फिर आप आएंगे इकोनॉमिक मेजर सेकंड पर, ये आपका सेकंड था, ठीक है, ये आपका वर्टिकल मल्चिंग सेकंड था। थर्ड आपका जो सी है वो डेंस ग्रोविंग क्रॉप है, फोर्थ स्ट्रिप क्रॉपिंग है और लास्ट जो आपका होगा ये क्रॉपिंग सिस्टम जो दिखा ना ई पे ये वाला है। तो देखिए डेंस क्रॉपिंग ग्रोविंग क्रॉप ये मेजर क्या कहता है आपका, ये इकोनॉमिक मेजर आपका ये कहता है कि प्रोवाइड मैक्सिमम कवर टू द सॉइल, एग्जाम्पल काउपी एंड मूंग। कह रहा है कि जो मैक्सिमम कवर दीजिए, मतलब कि सॉइल को आप पूरा ढक दीजिए प्लांट किससे रेसिड्यूस से, जैसे कि काउपी एंड मूंग से, ठीक है, या फिर जो ये काउपी एंड मूंग के जो प्रण मटेरियल्स हैं उससे आप एज अ मल्चिंग कर दीजिए, वो तो मल्चिंग के प्रोसेस में आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि आपको पूरे सॉइल सरफेस पर, मतलब जो आपकी कल्टीवेशन के लिए जो लैंड आपकी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या करिए आप जो है उसको पूरा कवर कर दीजिए। कवर कैसे कर दीजिए, उसमें काउपी वगैरह कल्टीवेशन कर दीजिए और मूंग का कल्टीवेशन कर दीजिए, ठीक है। मूंग और काउपी का कल्टीवेशन करने से क्या होगा, मैक्सिमम कवर आपका सॉइल पर हो जाएगा। इससे क्या होगा,
कि जो ग्रोइंग ऑफ बीड़ी टोबैको कॉजेज मैक्सिमम लॉस ऑफ सॉइल एंड वाटर। तो कह रहा है कि जो आप जो इसमें क्या करेंगे, जो बीड़ी और जो टोबैको आप लोग क्या करते हैं उगाते हैं, कह रहा है कि जो ग्रोइंग ऑफ क्या है बीड़ी टोबैको एंड और क्या मतलब देखिए जो तेंदुए का पत्ता है, ठीक है, दो चीजें यहाँ पर कॉमन होना चाहिए, ये आपकी बुक में भी नहीं है और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीड़ी का तेंदुए का पत्ता है या फिर जो टोबैको है, चाहे वो बीड़ी की टोबैको हो चाहे च्यूइंग टोबैको हो। चलिए मैं आपको एक जो है क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि च्यूइंग टोबैको कौन सी है उसका नाम बताइए, और जो बीड़ी में जो टोबैको या सिगरेट में जो यूज़ की जाती है उसका नाम बताइए। ठीक है, अगर ये आ ही गया है ये टॉपिक तो आप इसको बता दीजिए, एक बार थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा सर्च करिए, ऐसे क्या होगा आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि च्यूइंग टोबैको कौन सी है और स्मोकिंग टोबैको कौन सी है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए कमेंट कर कर। तो देखिए क्या होता है कि जो ये टोबैको बेसिकली जो क्रॉप है ये क्या करती है, जो बहुत ज़्यादा लॉस करती है आपके वाटर को, ठीक है, जो सॉइल वाटर है उसको बहुत ज़्यादा लॉस करती है और आपकी जो लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट है उसको भी कॉज करती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि काउपी एंड मूंग जैसी चीज़ों को क्या करना है पहले से उगा के रखना है। तो देयरफॉर क्या होगा कि कवर कम मैन्योर क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द अर्ली मॉनसून बिफोर टोबैको ट्रांसप्लांटिंग। मतलब क्या होगा कि जब आप टोबैको से पहले इन चीज़ों को उगा देंगे तो इसके क्या जो कवर्स होंगे वो जो इसके मैन्योर्स होंगे वो यहीं पर इस पर छोड़ दिए जाएंगे, मतलब जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं वो आपकी लैंड पर छोड़ दी जाएगी और वो एज अ क्रॉप मैन्योर यूज़ किया जाएगा उसको। और उससे क्या होगा कि जो टोबैको ट्रांसप्लांटिंग जो आप करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए मतलब टोबैको के लिए पहले से वहाँ पर न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है, जो सॉइल वाटर है, जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वहाँ पर वो क्या होंगी एक एडिक्वेट क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं मेज उर्द का, ठीक है, ये भी क्या होगा ये आपके वाटर और सॉइल लॉस को रिड्यूस क्या करेगा, नहीं करेगा। देखिए अब जो फोर्थ आपका जो इकोनॉमिक मेजर है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू भी आप इकोनॉमिक मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ये हम लोग सब सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स पढ़ रहे हैं अंडर इकोनॉमिक मेजर्स में, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पर टू और मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली इन द स्ट्रिप्स वाइड एनफ टू परमिट द इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट नैरो एनफ टू इंटैक्ट एग्रोनॉमिकली। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तीन स्ट्रिप बना लीजिए आप, दो तीन लाइनें बना लीजिए, लाइन टाइप मतलब, ठीक है, फरो एंड रिजेस वाला जो है आपका वही चीज़ है स्ट्रिप क्रॉपिंग में कि उसी तरीके से आप क्या करिए फरो एंड रिजेस बनाइए और एक फरो एक जो है आपकी फरो में एक फरो में अलग होगा एक फरो में अलग होगा, इसी तरीके से आप क्या होंगे रो बाय रो कल्टिवेशन करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली आपका कल्टिवेशन भी होता रहेगा और इकोनॉमिकली इंटैक्ट भी रहेगी आपकी सॉइल, मतलब क्रॉप्स भी इंटैक्ट रहेंगी और आपकी सॉइल भी इकोनॉमिकली इंटैक्ट रहेगी। ये बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो रोटेशन ऑफ क्रॉप का एक दूसरा फॉर्म है। बेसिकली ये सॉइल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग आपका किया जाता है। देखिए इसमें आपकी कई सारी स्ट्रिप क्रॉपिंग आ जाती हैं जैसे कि कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग में तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, बस इसमें ये करते हैं कि रेजिस्टिंग जो इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पर क्या करते हैं कल्टिवेशन करते हैं उनका इनडेफिनिट पैटर्न, मतलब कि स्ट्रिप बाय स्ट्रिप इनको जो है क्या किया जाता है कल्टिवेशन किया जाता है क्रॉप्स का यहाँ पर। फिर जो फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग में है ये बेसिकली जो रेगुलर फ्लोस होते हैं यहाँ पर या फिर ऐसा कहें कि जहाँ पर हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट है सॉइल का वहाँ पर इन चीज़ों को जो है फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग को अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लांटिंग ऑफ फार्म क्रॉप्स है ये यहाँ पर ज़्यादा होती है पैरेलल या जो लेस पैरेलल स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर जो है इन फार्म क्रॉप्स को प्लांट किया जाता है इन यूनिफॉर्म स्लोप्स में, मतलब जो स्ट्रिप्स आपकी वो यूनिफॉर्म स्लोप्स में होंगी और वहीं पर जो है प्लांटिंग की जाएगी। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग में बात करें तो विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग में ये है कि जो आपके जो टॉल क्रॉप्स होंगे जैसे कि ज्वार मेज एक्सेट्रा वो लो ग्रोइंग क्रॉप्स को अल्टरनेटली अरेंज किए जाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट एंड लॉन्ग पैटर्न में कि जो पैरेलल स्ट्रिप्स है वो लेड आउट की जाएगी डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स में। मतलब कि जो पैरेलल स्ट्रिप आप लेड आउट करेंगे मतलब जो पैरेलल स्ट्रिप्स आप क्या करेंगे बिछाएंगे क्रॉप्स की तो इस तरीके से बिछाना है आपको कि किस किस की डायरेक्शन के अक्रॉस हो वो डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स के अक्रॉस हो, जिससे क्या होगा कि हेयर विंड डायरेक्शन इज केयर्ड, यहाँ पर क्या होगा विंड डायरेक्शन की केयर की जाएगी
और ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द विंड इरोजन रादर देन द वाटर इरोजन। यहाँ पर आपका बेसिकली यहाँ पर यह मोटिव है कि आपको विंड इरोजन से, विंड के थ्रू आपको इरोजन बचाना है, ना कि वाटर इरोजन का। तो विंड डिस्टर्ब प्रॉब्लम में बेसिकली विंड के ऊपर फोकस किया जाता है कि विंड से इरोजन ना होने पाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स को उसी तरीके से उगाते हैं लो ग्रोइंग क्रॉप्स के पैटर्न में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके पैरेलल स्ट्रिप्स होंगी वो अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है, उसके पैटर्न में ग्रो की जाएंगी। और फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपकी फेयरली यूनिफॉर्म स्लोप्स होंगी वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रोल स्ट्रिप क्रॉपिंग में यही है कि ग्रोइंग ऑफ सॉइल एक्सपोजिंग एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स इन द स्ट्रिप्स ऑफ सुटेबल विथ अक्रॉस द स्लोप्स ऑफ कंटूर अल्टरिंग विद द स्ट्रिप्स ऑफ द सॉइल प्रोटेक्टिंग एंड इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स। कुल मिला के इसमें यह कहा गया है कि जो आपके रेजिस्टिंग क्रॉप हैं, इरोजन रेजिस्टिंग जो क्रॉप्स हैं, उनका आप यहाँ पर क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली कल्टीवेशन करेंगे उनका। और इससे क्या होगा कि ये क्रॉप क्या ऐसी क्रॉपिंग करेगी, शॉर्टन द लेंथ ऑफ स्लोप, जो स्लोप की जो लेंथ है उसको शॉर्टन कर देती है। और रन ऑफ वगैरह चीज़ें, डिसिल्ट वगैरह चीज़ें, वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एनहेंस होती हैं आपकी। बेसिकली एनहेंस क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिसिल्ट वगैरह, इसे तो रिड्यूस किया जाएगा। सिल्ट जो डिसिल्ट है इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो रन ऑफ है इसको चेक करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि किस चीज़ के ऊपर पहले क्या लगा देना है। ये नहीं कि आप जो है कह दीजिए कि इरोजन क्या करे, चेक रन ऑफ की जगह आप लिख दीजिए कि हाँ इम्प्रूव रन ऑफ, तो ऐसा नहीं होगा, चेक रन ऑफ, ठीक है। जो वर्ड्स हैं वही आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, तभी उसके लिए वो क्या होगा, फिट उसको जो है डिस्क्राइब करेगा। अब बात करें परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग की। यहाँ पर देखिए ये तो काफ़ी जो है उसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप यहाँ पर आपको क्या होगा, देखिए कल्टीवेशन याद आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि देखिए जो परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग है, तो इसमें ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, आपने कभी सुना है ये चीज़, तो आप बताएंगे जी हाँ सुना है। क्या बताएंगे आप इसमें, इसमें आप बताएंगे कि इट डज़ नॉट अ फॉर्म अ पार्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये क्रॉप रोटेशन का फॉर्म नहीं है। यूँ कहेंगे कि ये एक ऐसी स्ट्रिप क्रॉपिंग है जहाँ पर हम पेरेनियल लेग्यूम्स, ग्रासेस और श्रब्स को क्या करते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर हम कल्टीवेट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि बफर स्ट्रिप्स आर द काउंटर स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास और अदर इरोजन रेजिस्टिंग वेजिटेशन बिटवीन और बिलो द कल्टिवेटेड स्ट्रिप्स और द फील्ड्स। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आपकी जो है, ये आपकी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिप्स हैं। अब चाहे आप इसको ऐसे बना लीजिए, चाहे इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो इन स्ट्रिप्स में क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें आपने जो है कोई सीरियल उगाया सी, ठीक है, इसमें आप जो है सीरियल कल्टीवेट कर रहे हैं, पर इसके जो नेक्स्ट वाली आपकी जो स्ट्रिप होगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बफर क्रॉप्स को करेंगे। बफर क्रॉप्स क्या होंगी, आपकी पेरेनियल लेग्यूम्स होंगी, ठीक है, पीएल, ग्रासेस होंगी आपकी, ठीक है, और कुछ ऐसी श्रब्स जो आप जानते हो जो पेरेनियल हो, ठीक है, तो उन चीज़ों का जो है आप यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आप यहाँ पर पेरेनियल जैसी चीज़ें, मतलब पेरेनियल क्रॉप्स को यहाँ पर आप कल्टीवेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, सीरियल्स को, तो क्या होगा कि ये आपके लिए क्या करेगा, ये सॉइल को इंटैक्ट करके रखेगा, क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। तो इरोजन क्या होगा, बेसिकली एम क्या है आपका यहाँ पर, इरोजन ना होने पाए। तो इरोजन ना होने पाने के लिए जरूरी है कि सॉइल को क्या करे, पकड़ कर रखेगा। तो सॉइल को पकड़ के रखने के लिए आपको पेरेनियल क्रॉप्स, मतलब क्रॉप का होना जरूरी है वहाँ पर। तो यही जो बफर स्ट्रिप्स हैं, इनका काम यही रहेगा कि उसको क्या करें, पकड़ कर रखें, किसको, सॉइल को, ठीक है। तो चलिए आई होप आप समझ गए हैं कि बफर स्ट्रिप्स क्या हैं। और जो लास्ट का जो आपका इकोनॉमिक मेजर है वो ये है कि क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप मिक्सचर, वही है। एग्रीकल्चर में आप कितना ही पढ़ लीजिए, घूम फिर के आपको वहीं पे आना पड़ता है कि जगह पर, सब में वही चीज़ें हैं, बस ये है याद आपको क्या रहता है कि किसके अंदर आपको क्या चीज़ डिफाइन कर देनी है, और बाकी कुछ खास नहीं होता एग्रीकल्चर में, ठीक है, यही है एग्रीकल्चर पूरा। तो आई होप इस तरीके से आप जो है चीज़ों को याद रखेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मेंशन करनी है,
और यदि इस पूरे सेशन में आपको कहीं पर भी दिक्कत हुई है समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी, यहाँ पर आप मुझे सर्च करके फॉलो करके कोई भी चीज़ आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, ये आपका ग्रुप है, यहाँ पर आप यदि ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती हैं, और कोई भी आपका डिस्कशन आपको करना है अगर आपको आपस में या फिर मुझसे कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिलती हैं, अगर आप कभी भी क्या होता है यूट्यूब पर नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं जब वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मैं, तो आप यदि आप यहाँ पर मुझसे ऐड हो जाते हैं या इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं। ठीक है, तो यदि कोई क्वेरी है तो आप उसको बेझिझक पूछ लिया करिए, या फिर कोई भी चीज़ है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।